आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत यूजफुल है और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आज की वीडियो में मैंने ना ही कतरन यूज़ किया है, ना ही रुई यूज़ की है और ना ही ओल्ड क्लोथ का यूज़ किया है, लेकिन आज के वीडियो में ऐसा हमने पिलो बनाया है जिससे आपका घर बहुत ही खूबसूरत रहेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो क्या मैजिकल सिलाई के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए मैजिकल सिलाई शुरू करते हैं। तो न्यू ट्रिक सिखाने के साथ साथ मैं आज आपको एक डिज़ाइनर बहुत ही प्यारा सा पिलो कवर भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 11 इंचिस पे हमने ये फोल्ड किया है, ये जो कपड़ा है वो, और यहाँ पे हमने इस तरीके से 7 इंचिस पे फोल्ड करेंगे। तो वहाँ पे हम सीधी सी लाइन करेंगे और मार्किंग कर लेंगे जहाँ से हमने फोल्ड किया है, और इसका पूरा नाप मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब देखिए ये मार्क है, उसके पास ही थोड़ा सा फॉल्ट वाला जगह है, तो वो भी हम कैसे हमें इसे ढकना है वो भी करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ, देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी मनचाही डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ब्रांचेस बनाई है, थोड़े से फ्लावर्स बनाऊंगी और पत्तियाँ भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्रॉस में कटी हुई पाइपिंग ली है और इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए, देखिए। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने ब्रांचेस बनाई है उसके ऊपर इसे अटैच करना है। देखिए कैसे करना है, मैं वन बाय वन आपको बताती जा रही हूँ। इस तरीके से आप अटैच करते जाएं सारी ब्रांचेस में, और जो बड़ी है वो उसको सेंटर की ब्रांचेस है उसे लास्ट में अटैच करना, ताकि जो भी ब्रांचेस हमने अटैच की है वो बड़ी ब्रांचेस के नीचे ढक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन बाय वन सारी ब्रांचेस हम अटैच करते जा रहे हैं। देखिए ये सारी अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर बड़ी सी सेंटर की ब्रांचेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी ब्रांचेस अटैच कर ली। अब बारी आती है पत्तियाँ की, तो उसके लिए पान का पत्ती का शेप ले लीजिए, दो पत्ती कट करनी है और उसे ऐसे स्टिच करना है, थोड़ा सा पार्ट खुला रखे, वहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। तो जितनी हमने पत्तियाँ बनाई है उस हिसाब से इसे रेडी कर लीजिए, उतनी पत्तियाँ, और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी पत्तियाँ हमारी रेडी है। तो जहाँ जहाँ पर हमने पत्ती की डिज़ाइन बनाई है वहाँ पे आपको इसे अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पिलो कवर की डिज़ाइन सिखा रही हूँ। आपके पास अगर यह न्यू ट्रिक है जो यूज़ करनी है तो आप ओल्ड क्लोथ भी ले, ओल्ड पिलो कवर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फ्लावर्स के लिए रेड कलर की स्ट्रिप ली और इसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच किया, फिर हम प्लेटें ले लेंगे और रफल्स बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे यहाँ पे इस तरीके से राउंड राउंड में अटैच करना है, स्टिच करते जाना है और अटैच करते जाना है। देखिए वन बाय वन आपको इसे अटैच करते जाना है। तो देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। जहाँ जहाँ मैंने डिज़ाइन रखी थी फ्लावर्स की वहाँ वहाँ हमने इसे अटैच कर लिया। अब हमने मार्किंग की थी ना, वहाँ पर फोल्ड करके साइड में स्टिच कर लेना है। एक ही बार देखने से आपके दिल को छू जाए ऐसा प्यारा सा कवर है, जिसे आप सीधा कर लीजिए और देखिए लुक। अब देखिए इसमें हम रुई नहीं डालेंगे, ना ही कतरन डालेंगे, और ये ब्लैंकेट डालेंगे, और देखिए कितना प्यारा सा हमारा पिल्लो रेडी हो गया है। ऐसी तो सबकी गर्मी होती है और ऐसे पतले पतले ब्लैंकेट डेली ओढ़ते हैं, तो इसे सुबह जब फोल्ड करके ऐसे कवर में डाल दोगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपका बेड ऑर्गेनाइज हो जाएगा और इसकी खूबसूरती से आपका बेड सुंदर बहुत ही लगेगा। तो यह आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।